जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी आशा बहनों और संविदा कर्मियों से संबंधित अगर भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती दोस्तों तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते। खासकर दोस्तों संविदा कर्मियों से संबंधित कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट होता है तो हमारा चैनल आपके लिए खबर सबसे पहले लेके आएगा, चाहे आप किसी भी विभाग में कार्य करने वाले क्यों नहीं हो। दोस्तों बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले संविदा कर्मी, आउटसोर्स किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी जो आपके स्कूलों में कार्य करते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में संविदा पर कार्य करते हैं, या फिर बैंकों में, या नाइट गार्ड ले लो आप, या फिर जो कोई भी विद्यालय है जैसे गवर्नमेंट का विद्यालय है उससे रिलेटेड, या फिर प्राइवेट कर्मचारियों से संबंधित कोई भी वेतन बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों उसकी खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। और रसोइयों को ले लो खबर आप, रसोइयों से संबंधित भी हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों संविदा कर्मियों को पल पल की अपडेट आपको पानी है तो आप हमारे साथ में बने रह सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आया था हमारे पास में और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब वेतन तो कम से कम 11,200 रुपये है, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है जो पहले थी, लेकिन सरकार क्या है संविदा कर्मियों को उलझाने के लिए जो वेतन चयन प्रक्रिया है उसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी टफ कर दी है उसी को लेकर के, और वेतन विसंगति भी दूर करने की बात बोली गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप किस राज्य के, किस विभाग के और कौन से संविदा कर्मचारी बोले तो आउटसोर्स हो या फिर ऐसा कर्मचारी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले, सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो और आपकी क्या दिक्कतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएगा जिससे आपकी आवाज़ बन सके। तो दोस्तों देखते हैं, उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार पधार रहे हो, आप ही का अपना चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो बेल आइकन है ये उस पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेगा। दोस्तों जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाया मैंने वही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ना मिलेगी, इसलिए अपने साथी भाई है जो संविदा कर्मी उनमें भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वेतन विसंगति को लेकर गड़बड़ झाला। तो आप देख सकते हो जैसा कि हमने बताया वेतन विसंगति के बाद बोली गई है वो हम सारा आपका जो थंबनेल में जो जो चीज़ें लिखी है मैंने वो सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। कुछ भी गलत थंबनेल में नहीं था, अलग कुछ लोग थंबनेल में अलग लिख देते हैं और बाद में अंदर मटेरियल कुछ अलग होता है, लेकिन ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, 65% से कम अंक का डर दिखाकर बना रहे हैं दबाव। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर काफ़ी आक्रोश में देखने को मिल रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें प्रदेश के बड़े अधिकारियों का बरहद हस्त प्राप्त है और उन्हें नियमों को ताक कर रखकर उपकृत करने का खेल जोरों से चल रहा है। वहीं संविदा कर्मी कुछ ऐसे भी हैं जिनको वेतन वृद्धि पाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देना पड़ता है। तो बताना चाहूँगा कुछ संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो अधिकारियों के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं जिसकी वजह से उनको एग्जाम तक नहीं देना पड़ता है, और जो दूसरे संविदा कर्मचारी हैं जिनको वेतन वृद्धि पाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी देना पड़ता है उन्हें इसके लिए परीक्षा में 65% अंक लाना अनिवार्य होता है। ज्ञात है कि प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग में मनमर्जी और शोषण का खेल चल रहा है। एक और मैदानी अमले को हर साल अपनी नौकरी आगे बढ़ाने और वेतन वृद्धि पाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देना होता है, वहीं दूसरी ओर इस अमले को भ्रष्टाचार, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण से भी गुजरना होता है। फील्ड में काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 14 साल की नौकरी करने के बाद में देख सकते हो 8500 रुपये प्रतिमाह से अब केवल उनका 11,200 रुपये ओनली प्रतिमाह तक पहुंची 14 साल के अंदर। देख सकते हो कितनी वेतन विसंगति पाई गई है, और जबकि रसूखदार अधिकारियों को नाक के नीचे काम करने वाले कई सलाहकार 14 साल में 10-15 हज़ार रुपये प्रतिमाह से 65,000 रुपये तक पहुंच गए, जबकि मैदानी अमले में एवं जिला मुख्यालय में तैनात अमले की हर साल परीक्षा के नाम पर 65%
कम अंक देकर नौकरी के निकालने की और वेतन वृद्धि न किए जाने पर दिखाकर शोषण भी किया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों से प्राप्त जानकारी अनुसार ऊंची पहुंच रखने वाले प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और संचालक के चेहरे सलाहकार 100% अप्रेजल के पास होकर मोटी तनख्वाह पर पहुंच गए और अंतिम पंक्ति का सुविधा स्वास्थ्य कर्मचारी जहां से चला था वहीं पर है। संबंधित विभाग से जारी सूची इस बात की पुष्टि करती है कि बताया गया है कि वर्ष 2018-19 में दी जाने वाली वेतन वृद्धि के स्तर पर 70% कर्मचारी प्रदेश में जहां अभी तक वेतन वृद्धि से वंचित है वहीं राज्य कार्यालय सलाहकार प्रमुख सचिव को भी संचालकों को रिझाकर वेतन वृद्धि हासिल कर रहे हैं। वहीं वेतन विसंगति को लेकर यह भी सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है केवल चुनिंदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही वेतन वृद्धि की जा रही है और इससे या तो उनकी भोपाल में बैठे बड़े अधिकारी और करीबी होने के या फिर उन्हें भ्रष्टाचार को नज़दीक से जानने वालों की उपकृत करने का तरीका है। कारण कुछ भी हो लेकिन जिले के सुविधा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। तो आपने देखा कितनी वेतन विसंगति, जो ऑफिसरों के टच में रहते हैं उनका 100% अप्रेजल होता है, अप्रेजल होने के कारण से उनका वेतन भी बढ़ता है लेकिन बाकी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 65% अंक लाना पड़ता है और अगर वो नहीं आते हैं तो उनको नौकरी से भी निकाला जाता है। आपकी क्या राय, आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हो और आप किस विभाग में कार्यरत हो, किस राज्य के संविदा कर्मचारी हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपकी क्या राय है, आपका क्या डाउट है, आपकी क्या परेशानियां हैं और आप किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।